हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय भगवद् गीते, जय जय भगवद् गीते, हरि ही कमल बिहारिणी, हरि ही कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण सहस्र प्रदायिनी, शरण सहस्र प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते, राग देश बिदारिनी, कारिनी मोद सदा, कारिनी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, नाशिनी तमारजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते, क्षमता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी, शकल शास्त्र की स्वामिनी, शकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते, दया सुधावर सावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि ही ये कमल बिहारिणी, हरि ही ये कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए
ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि 9 मंथ्स में हमारा ये यज्ञ भगवत कृपा से कंप्लीट हुआ। बढ़ चढ़ के बहुत सारे डिवोटीज ने इसमें आनंद लिया। ऑन एन एवरेज 400 पार्टिसिपेंट्स यहाँ दिखते थे। इसका मतलब है कि 700 से 800 लोग इस सत्संग का आनंद ले रहे थे सुबह सुबह। और हमेशा जब सत्संग कंक्लूड होता है, सरल भागवत गीता का एक राउंड कंप्लीट होता है भागवत कृपा से, हम रुक के उसको सेलिब्रेट करते हैं, आपके विचार जानते हैं, आपने क्या सीखा, क्या आपकी अनुभूतियां हुई, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और साथ में जो आपको सुन रहे हैं, भक्ति के शक्ति के दर्शन होते हैं भक्तों के फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से। पिछली बार भी हमने डिवोटीज को कुछ सुना था, मेरी मम्मा को सुना था, नीलम जी, प्रेम जी, नताशा जी और कुछ सीनियर टीम मेंबर्स को सुना था। आज हम सबसे पहले सुनते हैं, मेरी मदर ही हैं, चाची जी हैं हमारे चंबा से, बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं और उनकी ब्लेसिंग से ही हम बड़े हुए हैं। तो वो भी बिल्कुल रेगुलर पार्टिसिपेंट रहे हैं इस पर्टिकुलर सत्संग ग्रुप में। चाची जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चाची जी आप सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं किरण महाजन चंबा से, निखिल की बड़ी चाची, इस पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर अपने बच्चों नितिन, निखिल, निमेश और प्रीति का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे अपने बच्चे आप सबके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर सबका जीवन बदल देंगे। आज मैं भी इन बच्चों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं 2012 में अपने बेटे निखिल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी। उस समय मैं अकेले स्काइप पर अपने टाइम के हिसाब से निखिल के साथ भगवत गीता की रीडिंग करती थी। इतनी पॉजिटिविटी इन बच्चों में देखकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करूंगी कि एक और महायज्ञ सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। ये अकेले तो पॉसिबल नहीं था, इसमें आप सबका भी सहयोग रहा। मुबारकबाद के तो आप सब भी डिवोटी भी पात्र हो, इसके लिए आप सबको भी शुभकामनाएं। ये तो निखिल ने प्रूव कर दिया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले इन तीनों भाइयों ने मिलकर इस यज्ञ को शुरू किया, उसके बाद सारी फैमिली को इन्वॉल्व किया। फिर जब ड्रास्टिक रेवोल्यूशन इन पॉजिटिविटी एंड हेल्दी रिलेशनशिप में अनुभव किया, तो मन में आया कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो सबके लिए क्यों ना हो। ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जो है भगवान कृष्णा का एक गिफ्ट है, जिसका माध्यम भगवान ने इन सबको बनाया। और हम सब सुबह 5 बजे उठकर इसका आनंद ले रहे हैं, वो भी एट द सोल लेवल। इन बच्चों ने आप सबको ही नहीं, हमारे परिवार को भी एक धागे में पिरोकर इकट्ठा कर दिया है। हमारे परिवार में प्यार तो पहले से ही बहुत था, लेकिन अब जीवन जो है वो आनंद में हो गया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये बच्चे बड़े होकर ज्ञान बांटेंगे।
अब मैं लर्निंग की बात करूं तो इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करूं। स्पीचलेस, रियली स्पीचलेस। आप सब जानते हैं कि मन के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का युद्ध तो हर समय चलता है। कभी मन हार जाता है, कभी जीत जाता है। लेकिन इस नेगेटिविटी के युद्ध में से इतनी जल्दी बाहर निकल आते हैं, ये भगवत गीता की एक मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। डिवाइन एक्सपीरियंस होना भी भगवत गीता की एक लर्निंग है। डिवोशन के रास्ते पर चलते हुए हमें बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता जो है वो ज्ञान का एक विशाल सागर है। इसमें से हम सब कुछ तो ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो समेट सकते हैं। भगवत गीता जो है वो सब वैदिक ग्रंथों का सार है। हमें बिना संशय के भगवान पर फेथ करना है, हर कर्म में भगवान को ऐड करना है, हर काम जो है भगवान की गाइडेंस में करना है, ABCD में बैलेंस लाना है, अपना हर कर्म बिना फल की इच्छा के करना है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि आप भक्ति द्वारा मेरे धाम में पहुंच सकते हो। हमें भगवान जी से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमें डिवोशन करनी है, बाकी भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे साथ रहो, प्रोटेक्शन मैं दूंगा। हमने ये भी सीखा कि भक्ति का ज्ञान जो है वो भक्तों को बांटना है, बुद्धि में कृष्णा को बिठाना है, हमें तीन गुणों से ऊपर उठना है, हमें दिव्यानंद की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमारा गोल वैकुंठ है। हम पहले अपने आप को बॉडी समझते थे, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद पता लगा कि हम एक सोल हैं। हमारा परमानेंट रिलेशन भगवान के साथ है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब बातों को उतारना है। हमें सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के द्वारा भगवान से जुड़ना है। हमें अपनी आत्मा को इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर लेकर जाना है। जो व्यक्ति संदेह करता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमें सेल्फ रियलाइजेशन पर ध्यान देना है। जैसे जैसे हम अपनी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ाते जाएंगे, हम भगवान के प्यारे बच्चे बन जाएंगे। नर्सरी से PhD की स्टेज की ओर बढ़ना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं नितिन और निखिल का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें एक एक श्लोक अपने सरल शब्दों में समझाया। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमारे बच्चे नितिन, निखिल, निमिष और प्रीति, इन्होंने आपका सही मार्गदर्शन किया है। रूपाली का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये बच्चे डिवोशन के रास्ते पर और आगे बढ़ते जाएं। निखिल का हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना साकार हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा इन बच्चों के साथ हैं। मैं यही कहूंगी, हे राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है,
अनैया डोल रही मेरी, अनैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल चाची जी, थैंक यू सो मच। आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। हमें कोई योग्यता नहीं है, बट हमारे बड़े इतना आशीर्वाद देते हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया और आपकी लर्निंग्स बहुत प्यारी है। मुझे पहला दिन भी याद आ रहा है 2012 में, जब आप बिजी बड़ा रहते थे। मुझे बैठ जाइए प्लीज, बताओ किस समय पढ़ना है आपने। कोई कोई ना कोई, सब लोग बिजी रहते थे। बहुत मुश्किल होता है, जो डिवोटीज नए सुन रहे हैं उनको लगता होगा इतना आसान होता है कि अपनी फैमिली को पढ़ा लो, बट इतना आसान नहीं होता। पहले कोई नहीं सुनना चाहता आपको, कोई टाइम ही नहीं देता, बट धीरे धीरे अगर आप लगे रहोगे तो कोई ना कोई सुन लेगा आपको एक दिन। तो इसलिए चलते रहिए और बड़े प्यारे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो चाची जी थैंक यू सो मच, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे गोलक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल का सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो जो है वो किरण चाची जी का है, नाम जाप के अनुभव। वो वीडियो जरूर देखिए, नितिन जी जरूर शेयर कीजिएगा सुबह के सत्संग ग्रुप में। चाची जी आपने क्या कहा था जब मैंने वीडियो शूट किया था आपका, कि वीडियो आपका कोई देखेगा या नहीं देखेगा? मैं नहीं बना वीडियो, और क्या होगा, मेरा वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा। चाची ने कहा था कि मेरा वीडियो बनाने से क्या होगा और इसको देखेगा भी कौन। और देखिए आज वो सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो है पूरे यूट्यूब चैनल का, आई थिंक 32,000 उसके प्लस व्यूज हो गए हैं उसके। सो हमें सेवा में ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, बिकॉज वो भगवान का डिपार्टमेंट है, हमें जरूर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच चाची जी, आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा थैंक यू। एंड नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं चाची जी को? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच चाची जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं और मैं हमेशा देखता हूँ चाची जी बहुत सिंसेरिटी के साथ जो लर्निंग्स यहाँ से ले रही हैं उनको अपने जीवन में उन्होंने उतारा है। क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो ऐसा होता है ना, एक एक्ट एंड कंडक्ट में वो चीजें जो हैं वो झलकना शुरू हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्ट्रांग हो गई हैं, उनका नाम जाप बढ़ गया है और अपने सारी रूटीन की जो ड्यूटीज हैं उनको बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। तो बहुत खुशी होती है कि सब लोग मिलजुल के डिवोशन में आगे बढ़ पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना भगवान श्री हरि से यही है कि आपकी ब्लेसिंग इसी तरह हम सब पे बनी रहे और इसी तरह हम पूरा परिवार मिलजुल के ये जो घर घर मंदिर हर मन मंदिर है इसको बनाने में साकार हो सके। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, थैंक यू वंस अगेन चाची जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम बहुत प्यारे डिवोटी सीनियर डिवोटी के बाद, सॉरी कुछ कहा आप जी? चलिए अब हम बहुत प्यारे डिवोटी के पास चलते हैं। सीनियर डिवोटी हैं हमारे साथ, पठानकोट से जुड़े हैं संगीता शर्मा जी, बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे हरे बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। मैं संगीता शर्मा पठानकोट से आज आप सबके साथ अपनी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और मैं गोलोक एक्सप्रेस से फेब्रवरी 2017 में अपने ही स्कूल में कार्यरत मैडम नीलम मैडम हैं उनके माध्यम से जुड़ी थी, जो अब रिटायर हो गए हुए हैं और गोलोक एक्सप्रेस के साथ बड़े ही सेवा भाव से भक्ति में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनके माध्यम से मैं फेब्रवरी 2017 में जुड़ी थी और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने बहुत बार भगवद गीता की रीडिंग्स करी हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारी एक रीडिंग खत्म होती है तो साथ में ही हम दूसरी रीडिंग कुछ दिनों के बाद स्टार्ट कर लेते हैं।
लेकिन ये है कि मैं रेगुलरिटी से चल रही हूँ, हमने कभी सत्संग मिस नहीं किया है। जैसे ही हमारी रीडिंग खत्म होती है तो हम कोई सेलिब्रेशन सत्संग हमारे रहते हैं जिसमें हम अपनी सभी डिवोटीज फीलिंग्स शेयर करते हैं, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर चला रीडिंग का, जो मई 2021 में हमने स्टार्ट किया था और अब फरवरी 22 में हमने इसको कोर्स को कंप्लीट किया है, तो बात करें गीता की, तो गीता तो एक अथाह समुद्र है। कहते हैं ना कि गीता ज्ञान और आनंद का समावेश है। ज्ञान तो इसमें बहुत अथाह का है, लेकिन जितना जितना हम ज्ञान लेते रहते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, उतना उतना हम अपने आप को आनंदित भी महसूस करते हैं। इस रीडिंग के दौरान मैंने बहुत आनंद लिया था, बहुत आनंद के साथ चल भी रही हूँ। इसमें हमने जब रीडिंग स्टार्ट की थी तो बीच में ना कार्तिक मास आया। कार्तिक मास के दौरान जो आध्यात्मिक ऊर्जा को मैंने अनुभव किया है, जैसे उसमें रोज हम सुबह दामोदर अष्टकम का पाठ करते थे। पहले मैंने कभी दामोदर अष्टकम सुना भी नहीं हुआ था, लेकिन सुबह रोज उसका पाठ करना, रोज हमने वहां दीप दान करना, और उसके दौरान मेरे को वृंदावन धाम यात्रा का भी मौका मिला। तो मीन्स कहने का भाव यह है कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हमने ऊर्जा को महसूस किया उस समय में। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैं बात अपनी करूं तो मैं सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पाती थी। जैसे मैंने जॉब पे जाना होता था तो उसके लिए तो कहते ना उठना पड़ता था, मजबूरी थी वो। लेकिन जैसे छुट्टी होनी तो आलस कर देना, लेट उठना, हर काम को लटकाना, इस तरह का बिहेवियर रहता था। लेकिन जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर एबीसीडी मॉडल को समझा, तो उसमें नितिन जी ने या निखिल जी ने बताया कि बस आपने अपना जो डिस्ट्रक्टिव समय है, जहां समय आप खराब करती हो, जैसे मैं सोने में अपना समय खराब करती थी, तो उसको मैंने डिवोशन में लगाया है। और ऐसा करते करते मैं देख क्या पा रही हूँ कि जैसे अब सुबह सत्संग में 5 बजे हमारी माला जाप स्टार्ट हो जाती है, तो माला जाप से पहले पूरा नहा धोकर बैठ जाती हूँ, माला जाप करना, उसके बाद गीता का पाठ करना, अपना 16 माला जाप करना, और उसके बाद मेरी जो अपनी ड्यूटीज हैं घर की वो स्टार्ट होती हैं। मीन्स ये एक बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में, जिसको मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और जिससे मेरी, मैंने देखा है, डिवोशन में काफी प्रोग्रेस हुई है। ये जो 1.5 घंटे का समय है, इस पे मैंने काफी अपने आप को डिवोशन की तरफ बढ़ाया है। और अगर मैं वैसे बात करूं कि मैंने भगवद गीता का अध्ययन करना होता अपनी इस बिजी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि मैं शायद वो कभी ना कर पाती। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल होने की वजह से मैं इस रीडिंग को अपने घर की कंफर्ट जोन में, गर्मियां हैं तो एसी लगा लिया, सर्दियां हैं तो रजाई में बैठ के भी हम सत्संग को सुन लेते थे। तो इस तरह से ये भगवान की, मैं कहती हूँ, एक विशेष कृपा है हम पर कि घर बैठे जो हमें इतना बड़ा, निखिल जी के माध्यम से, नितिन जी के माध्यम से, प्रीति जी के माध्यम से इतना सुंदर सत्संग जो है वो ज्ञान की गंगा मेरे घर तक चलकर आ गई, जिसका मैंने कुछ लाभ भी उठाया है। आगे मैं बात करूं कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है। पहले मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी काफी ज्यादा, मतलब कि हर 2-4 दिन के बाद स्कूल से आना, सर को बांध के बैठ जाना, दवाई खानी, लेकिन इतना फर्क भी नहीं पड़ता था, रूटीन हो गया हुआ था ये। फिर मैंने गीता पढ़ के जाना कि ये जो मेरी एक्सेसिव थिंकिंग की नेचर है उसके कारण मुझे ऐसा होता है। तो गीता के माध्यम से ये भी जान पाई कि तू, भगवान कहते हैं कि तू चिंता छोड़, बस तू चिंतन कर, तेरे हाथ में तो सिर्फ पुरुषार्थ है, लेकिन जो उसका फल देना है वो भगवान के हाथ में है, सब कुछ उस ईश्वर की मर्जी से होता है, तेरा कर्म है, सिर्फ तेरा धर्म है अपने सही रास्ते पर चलना। इसलिए उस भाव को जब से मैंने महसूस किया है तो मैंने देखा है कि मेरी विल पावर भी स्ट्रांग हुई है। उसके कारण जो मेरी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम रहती थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। मीन्स स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काम करने पर मुझे लगा कि मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करना है। और जैसे हम कुछ, हमारी आदतें होती हैं, कुछ चीजें हम गलत भी खा लेते हैं, उस पर भी फोकस रखा कि नहीं, जिससे हमारी सेहत खराब होती है उस चीज को हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जैसे नितिन जी बताते हैं या निखिल जी बताते हैं उसके कारण ही हो पाया है।
गीता में बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने कि जो नियमित रहता है, जो खाने पीने की आदतों में संयमित है, तो वो जो संयमन है, सेल्फ कंट्रोल है, वो मैंने करना सीखा है, जिसके कारण जब मेरी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हुई है तो नेचुरली फैमिली हेल्थ और मेरी फाइनेंशियल हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। फिर मेरी नेक्स्ट लर्निंग बनी है अशाश्वतम दुखाले। रोज हम देखते हैं जीवन में कितना दुख है, अपने आसपास देखते हैं, तो ये समझ आई है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम का सहारा ले लेता है उसके जीवन में हमेशा सुख ही रहता है, चाहे वो कितनी भी दुख वाली स्थिति में क्यों ना हो। इस भाव को भी मैंने अच्छी तरह से जाना है। मेरा अपने गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल आया है। पहले मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं भी शायद पलट कर जवाब दे देती थी, लेकिन जब से मैंने भगवद गीता के माध्यम से तीन गुणों का कॉन्सेप्ट समझा है तो ये चेंज आया है कि दूसरे के तामसिक गुण को देखते हुए उससे खुद भी मैंने कभी प्रभावित ना होते हुए बिल्कुल शांत रहकर उसको भी शांत रखने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है, जिससे पारिवारिक माहौल और अपने दोस्तों के बीच के जो संबंध है वो बड़े मधुर बन गए हैं। नेक्स्ट अपना चेंज की बात करूं तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर रहता था। स्कूल में हमें कहता था कोई की स्टेज पर कुछ कहना है तो कोई शब्द ही नहीं आते थे, हमें पता ही नहीं था बोलना क्या है। लेकिन अब जैसे भगवद गीता पढ़ी है, बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है वो भी आप देख रहे हैं कि अब इतने लोगों के सामने मैं बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही हूँ। और जैसे कुछ मैंने लिखना होता था, पहले तो पता ही नहीं होता था क्या लिखें, लेकिन अब लिखने बैठती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि तीन चार पेज मैं ऐसे ही भर देती हूँ, उसमें कितने सारे विचार, कितनी सुंदर सी चीजें जो गीता से मैंने सीखी हैं वो मैं लिख पाती हूँ। और भावों में भी बहुत शुद्धता आई है। अब मुझे कोई भी इंसान जो है वो बुरा नहीं लगता, हर एक को आत्मा लेवल पर देखने की कोशिश करती हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अब अपनी बुराइयां दिखती हैं, अपनी गंदगी दिखती है कि मेरे में कितनी बुराइयां हैं, मैं कम से कम उनको एक एक करके दूर करने की कोशिश तो करूं। पहले हम कोई कुछ कहता था तो हम ग्रजेस बनाकर चलते थे, लेकिन अब ये विचार बहुत छोटे लगते हैं कि हैं इस बात पर हमने किसी के साथ ग्रज बनाना, छोड़ो इस बात को, हमें तो बहुत आगे चलना है। और जैसे कोई हम बैठे हैं, कोई निंदा कर देता है तो हमेशा ऑलवेज मेरी ये कोशिश रहती है कि वहां से उस टॉपिक को बदल दो कि हमें इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है। पहले से मेरे अंदर दया भाव बड़ा है, सेवा भाव बड़ा है, जैसे घर में है या वर्क प्लेस पर है, हमेशा सेवा भाव से चलने की कोशिश कर रही हूँ। और स्कूल में बच्चों के साथ, जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, गर्ल्स स्कूल है, तो लड़कियों में संस्कार भरना ये भी मेरा मोटिव रहता है पढ़ाई के साथ साथ, कि बच्चे झूठ ना बोलें, किसी तरह की चोरी चकारी की उस आदतों में ना पड़े। उस कर्म का क्या उसके ऊपर इफेक्ट आना है बच्चों को, इस बात पर भी समझाना। और कोविड के दौरान मैंने देखा है बच्चों की प्रॉब्लम्स, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ये प्रॉब्लम जो है ये मेरे अपने बच्चे के साथ हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा। उस प्रॉब्लम को 100% कोशिश रही है मेरी कि उस बच्चे की प्रॉब्लम को मैं दूर कर पाऊं, ताकि वो भी हमारी तरह थोड़ा आगे बढ़ सके। और इस तरह से मैंने देखा है कि क्षमा भाव भी बड़ा है, कोई गलती कर देता है तो मन में भाव नहीं रहता, फटाफट से उसको क्षमा किया और हम आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे कह लो कि हम कुछ देते हैं तो कई बार अहंकार की भावना आ जाती है, लेकिन भगवद गीता के माध्यम से ये भी जाना है कि देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रहन, हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें अहंकार किस चीज का रखना है, सिर्फ छोड़ना है तो अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को हम छोड़े। अब मैं सही बात कहूं तो कहते हैं ना कि जीवन को जी तो हम पहले भी रहे थे, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन असल में एंजॉयमेंट क्या होती है, जीवन का हमारा जो प्रबंधन है वो कैसा होना चाहिए। कहते हैं ना कि सुखी व्यक्ति को कहते हैं सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि परम सौभाग्यशाली वो है जिसके पास भोजन है लेकिन साथ में भूख भी है, धन है तो साथ में धर्म भी है, विशिष्टता है तो साथ में शिष्टता भी है, सुंदर रूप है तो साथ में चरित्र भी है, संपत्ति है तो उसके साथ स्वास्थ्य भी है, और बुद्धि है भगवान ने दी हुई तो साथ में विवेक भी है,
परिवार है तो साथ में हमारा प्यार भी है। ये गोलक परिवार हमारे साथ, जो हम इनके साथ जुड़े हैं ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो मीन्स हमें ये अब एक फैमिली लगती है। और जीवन की कठिनाइयां या समस्याएं ये तो मैं देख रही हूँ कि रोज ही आ रही हैं, लेकिन भगवत कृपा से मैं देख भी पा रही हूँ कि वो बहुत जल्दी ही दूर भी हो जा रही हैं। और भगवान से मैं कहती हूँ, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरा वो जो दृढ़ विश्वास है वो कभी भी डोले ना, और मैं नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा के माध्यम, सेवा के भाव से निरंतरता से आगे चलती रहूं। और मेरे साथ साथ मेरे इस ग्रुप में मेरे मदर जुड़े हैं, मेरी सिस्टर्स जुड़ी हैं, मेरी कजन सिस्टर्स जुड़ी हैं, मेरी फ्रेंड्स जुड़ी हैं, और बहुत सारे भगवत प्रेमी जो हैं वो इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखना और हमारे गोलोक एक्सप्रेस परिवार के ऊपर भी अपना वर्द हस्त जो है वो बनाए रखना। अंत में मैं निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का, नीलम मैम का, मोहिनी आंटी जी का, प्रेम अंकल जी का, रूपाली जी का और समस्त गोलक एक्सप्रेस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इस अध्यात्म के रास्ते पर, कहते हैं, उंगली पकड़ कर चलाया है। हम तो कहते ना, मैं मूर्ख थी, अज्ञानी, अबोध, मंद बुद्धि, कौन से विशेषण लगाऊं, लेकिन बहुत कुछ सिखाया है आपने। और भगवान से विनम्र प्रार्थना है कि हम इस रास्ते पर निरंतरता से आगे बढ़ते रहें और आपका साथ जो है, जैसे आपका है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उस भाव को हम भी लेकर निरंतरता से आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया संगीता जी, आप तो बहुत ही प्यारे स्पीकर हो, बहुत प्यारे भाव हैं आपके। और जब आप ये बता रहे हो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, तो मुझे नहीं लगता है आपको ये मान सकता है संगीता जी को कभी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। देखिए, भगवद गीता के बार बार कोर्सेज क्या कर सकते हैं इंसान के साथ, ये लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं आपके कि कैसे अपने अंदर के जो डर होते हैं बहुत ज्यादा, उससे भगवान की कृपा से हम निकल पाते हैं। और अपने विचार कितने ब्यूटीफुली संगीता जी ने प्रेजेंट किए हमारे साथ, और बहुत प्यारी लर्निंग्स हैं आपकी और बहुत ही प्यारी सेवाएं आप गोलक परिवार के साथ मिलके कर रहे हो। आपके माध्यम से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में हजारों लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। कांग्रेचुलेशन संगीता जी, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल संगीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीता जी का एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी उनसे हम सीख सकते हैं। वो जब से जुड़े हैं, मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा सत्संग हो जिसको उन्होंने मिस किया हो या जो सेवा उनको मिलती हो उनको उन्होंने ना किया हो। ऑलवेज अबाइड किया उन्होंने, नीलम जी ने या यहाँ से जो भी उनको गाइडेंस मिली उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये रीजंस हैं कि इस वजह से उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी हुई है। तो हमें एक्चुअली जैसे लाइफ को सीरियसली लेना है ना, वैसे ही लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये अध्यात्म। इसको हम जब सीरियसली लेते हैं, जैसे संगीता शर्मा जी ने लिया है, तो आई थिंक फिर वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। और देखिए, जो हम गोलोक एक्सप्रेस में कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, उन्होंने अपने आप पे मेहनत की, तो उनके साथ अब उनके परिवार से जुड़े हुए या फिर उनके फ्रेंड्स या उनके आगे फैमिली मेंबर्स, कैसे वो साथ चलते जा रहे हैं और इसी तरह से कारवा आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता जी, इसी तरह से जोश से आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए, बहुत सारी जब जर्नीज आप सुनोगे, डिवोटीज की फीलिंग जानोगे, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम डिवोटीज वो जो हमारी टैगलाइंस है उसको जी चुके हैं और जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी थ्योरी नहीं है कि नई डिवोटीज जुड़ते हैं उनको लगता है सब थ्योरी होगा। इसलिए ये सब डिवोटीज की फीलिंग्स आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं भगवान की, ये थ्योरी नहीं है। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ हो चुका है, गोलोक एक्सप्रेस जीता जागता उसका उदाहरण है। आप ये नहीं कह सकते ये थ्योरी है, क्योंकि ये हजारों लोग कर चुके हैं और आप भी कर पाओगे। बस आप चलते रहिए, जैसे संगीता जी जैसे प्यारे डिवोटीज रेगुलरिटी से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 99.9% रेगुलर रहे हैं ये पिछले सो मेनी इयर्स से। अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो ऐसी वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ भी हो सकती है। थैंक यू संगीता जी। चलिए अब चलते हैं हम चंबा, एक और प्यारे सीनियर डिवोटी है हमारे साथ, गीता महाजन जी, उनकी भी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। गीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता महाजन चंबा से, तो भगवान की बड़ी अपार कृपा। मैं तो बहुत बहुत अपने मेंटर्स गुरुजनों निखिल भैया जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का जो है वो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का जो है वो इतना प्यारा गोलोक धाम का जो है वो रास्ता बताया। तो गीता महाजन चंबा से, तो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। मैं जून 2017 में जो है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपने ब्रदर भरत के माध्यम से जुड़ी थी, और मेरी सबसे पहली भागवत गीता की रीडिंग जो है वो हमारे सीनियर मेंटर्स रजनी दीदी के माध्यम से हुई थी। और जब ये मेरी फर्स्ट रीडिंग भागवत गीता की हुई रजनी दीदी के माध्यम से, तो मैंने ये जाना कि वाकई ही हम जो हैं, हमारा जो लाइफ का लक्ष्य है वो है भगवान की प्राप्ति। पहले तो हम बस यूं ही रोते रोते जो है वो जीवन को जी रहे थे, लेकिन इस भागवत गीता की फर्स्ट रीडिंग ही जो है वो मेरी लाइफ में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो टर्निंग पॉइंट लेकर आई। और मेरी ये जो फर्स्ट रीडिंग है, मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि मैंने शॉप पे जो है वो कंप्लीट करी। पहले जब मेरे को रजनी दीदी ने बोला ना कि भाई भागवत गीता की रीडिंग जो है वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर फिर धीरे 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 रेगुलरिटी के साथ चलते हुए जो है वो मैं इस फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग को जो है जब कर पाई, तो वाकई जब मैं 9th अध्याय में पहुंची, तो 9th अध्याय में जो है वो 22वां श्लोक आया, और उसमें भगवान ने हमें ऐसी जो है वो श्योरिटी दे दी। उसमें हमें ये बताया गया कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये श्लोक जब मैंने सुना और मैंने इसका अध्ययन किया, तो मैंने यही वो किया कि हर टाइम जो हम चिंता करते रहते थे वो जो चिंता है वो चिंतन में कन्वर्ट हो गई। कि जब हम जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं, तो भगवान हमें इंश्योरेंस करवाने से हमें वो बोलते हैं ना कि आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, तो वैसे ही ये भागवत गीता भी हमारी लाइफ, हमारी आत्मा का इंश्योरेंस है, जिसने कि हमारे सारी लाइफ का जो कंक्लूजन है वो दे दिया। और बस वो दिन और आज का दिन, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में जो है वो उतार चढ़ाव नहीं आए, बड़े सारे उतार चढ़ाव आए, पर एक ही चीज जो है वो हमने पकड़ ली। बार बार जो है वो हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा बताया गया कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हैं तो आप जो है वो धीरे धीरे जो है वो चलो, अगर चल नहीं सकते हैं तो आप रेंगो। तो बस उस कंसेप्ट को जो है वो पकड़ लिया और धीरे 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 जो है वो चलते गए। और जो कल हमारे महान यज्ञ जो है, इतना प्यारा यज्ञ भागवत गीता का हुआ, तो इसके साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक बताती हूँ कि अभी हमारी रिसेंटली जो है वो बुआ जी की डेथ हो गई है, तो लगभग जो है वो यहाँ पर काफी सारे लोगों का आना जाना था। तो मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भगवान मैं कैसे ये भागवत गीता को जो है वो सुन पाऊंगी, इस यज्ञ में जो है वो मुझे भी अपनी आहुति देनी है। तो देखिए भगवान की कैसे कृपा हुई, भगवान ने थॉट दिया और मैंने जो है वो ईयरपोड लिया, अपने कान में लगा लिया और मोबाइल पीछे छुपा कर रख लिया, और वो उस महान यज्ञ में मैं भी जो है वो आहुति दे पाई। बहुत ही आनंद आया सच में। ये जो इतनी जल्दी से भागवत गीता, देखो मैं बचपन से ही भागवत गीता, ऐसी बात नहीं है कि कनेक्ट थी, लेकिन कभी समझ नहीं आता था, उसको बस पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली जो है वो मनन करना, उसका अध्ययन करना जो है वो हमने अभी ही सीखा है। तो अब हमें जो है वो बस
अपने गोलक धाम का जो है वो रास्ता अपनाना है, और जितना हम गोलक धाम के रास्ते की तरफ चलेंगे उतना ही हमारी जो आसक्ति है वो भगवान की तरफ बढ़ेगी। अपनी ड्यूटीज को करते जाओ, पहले सकाम काम सकाम कर्म और निष्काम कर्म में हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब जब हेल्थ कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस का मॉडल आया तो वहां पर पता चला कि भाई स्पिरिचुअल हेल्थ भी कोई चीज होती है, मेंटल हेल्थ भी कोई चीज होती है। हमने तो सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ को ही जो है वो जानना था। फिर बार बार जो है हम भगवान को दोष देते रहते थे, भगवान हमारी लाइफ में ये कर दिया, भगवान आपकी हम आपकी वजह से जो है वो ये हो गया, लेकिन वो भी कंसेप्ट जो है वो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो परिवर्तन आया। और भागवत गीता की रीडिंग को करते 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 जो है वो असली शांति जो है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत सारी जो है देखो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम पहले भी थी और अभी भी है और वो रहेंगी भी, लेकिन उन सभी का सोल्यूशन जो है वो है भगवान की शरणागति, प्रभु के धाम की प्राप्ति ही अब हमारा जो है वो गोल बन चुका है। ये सारे कंसेप्ट जो है वो हमें हमारे मन और दिमाग में डालने वाले जो है वो हमारे गुरुजन ही माध्यम बने हैं, नहीं तो जिंदगी जो है वो ऐसी बात नहीं है। पहले भी जी रहे थे लेकिन आनंद नहीं था, उस आनंद को जो है वो अब हम फील कर पा रहे हैं, खुद भी जो है वो पॉजिटिव रह पा रहे हैं और बाकियों को भी। देखिए जैसे अब कोई हमारे सामने आ भी जाता है ना तो अब हम यूजलेस टाइम नहीं जो है वो वेस्ट करते हैं। कोई अगर यूजलेस बातें भी करता है ना तो हम वहां पर चुप रहते हैं और चुपचाप से जो है वो अपनी चैंटिंग को जो है वो करते रहते हैं। उससे मैंने एक चीज देखी कि हम इंटरनली जो है वो स्ट्रांग हो पा रहे हैं। जैसे मुझे भी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं किसी के आगे अपना भाव नहीं रख पाऊंगी, ना मैं कभी कोई भजन गा पाती थी, लेकिन जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए वैसे वैसे ही जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और अब जो है वो भजन गाने में भी जो है वो कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। और किसी के आगे मतलब ऐसे लगता था कि भाई चार व्यक्तियों के आगे अगर हमें कुछ बोलने को बोल दिया जाए तो लगता था कैसे बोलेंगे, एक अजीब जैसा डर जो था वो मन में बैठा हुआ था, अब वो डर भी जो है वो खत्म हो गया है। तो बस पहले कर्म कांड तो हम बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन कर्म कांड के साथ अपने भाव को जो है वो प्रबल कैसे करना है वो हमें नहीं पता था। वो भाव जो है वो इस गोलक प्लेटफॉर्म पर आकर ही जो है वो प्रबल हुए हैं। कार्तिक महीना गया, मैं सच बोलूं 40 साल की हो गई हूँ, कभी इस भाव के साथ जो है वो ना कभी मंदिर गए ना ही कभी जो है वो व्रत रखे, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये जो कार्तिक मंथ गया इसमें सच्ची बहुत ही ज्यादा जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा को जो है वो महसूस किया। और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का रिजल्ट ये हुआ कि परिवार के मेंबर्स तो बदल ही रहे थे लेकिन साथ जो है वो अब चलते फिरते जो है वो प्रचार और प्रसार होना जो है वो पॉसिबल हो गया था। पहले हम ये चीज नहीं कर पाते थे। तो जितनी देर तक मैंने यही समझा कि हम अपने मन को शुद्ध नहीं ना करेंगे, हमारे मन के अंदर बहुत सारे विकार हैं, जितनी देर तक हम उसको शुद्ध नहीं करेंगे इस जंजाल से नहीं निकलेंगे उतनी देर तक हम भगवान के साथ जो है वो अपने कनेक्शन को जो है वो स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राधा रानी का कृष्णा जी का ये हमारा जो प्यारा सा प्लेटफॉर्म प्यारा सा साथ हमारे गुरुजनों का जो मिला है वो हमेशा के लिए जो है वो बना रहे, ये पॉजिटिविटी का जो रास्ता है ये कभी भी ना छूटे। और इस सत्संग में जैसे 95% जो है वो मेरी प्रेजेंस रही लगभग, और उस बस मैं भगवान से मैं ये बोलूं कि मैं कर पाई मैं नहीं कर पाई, ये प्रभु की ही कृपा थी, उनकी कृपा के माध्यम से ही जो है वो हम इस महान आहुतियों में ये जो भागवत गीता का हमारा जो कंसेप्ट चला हुआ उसमें हम आहुति दे पाए। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हमें कर्म कांड नहीं आते हैं
कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम भगवान के साथ जुड़ते नहीं हैं, अपने कनेक्शन को भगवान के साथ जोड़ते नहीं हैं, तो हमारा सारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। भगवान के नाम की सुकृति को ही हमने अपनी लाइफ का जो है वो आधार बनाना है, क्योंकि अध्याय 8 में जो है वो भगवत प्राप्ति में श्लोक 6 में जो है वो प्रभु ने कहा कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और यदि हम प्रभु कृष्णा के दिव्य स्वरूप से प्रभु की सेवा में मन को लगाएंगे तो हमारा अगला शरीर भी जो है वो दिव्य होगा। तो हमें भी भगवान की जो है वो दिव्य लीलाओं में जो है वो प्रवेश करना है। यही मैंने भी जो है वो अपनी लाइफ का मोटिव बनाया, मैं और रितेश जी जो है वो, हम दोनों जो है वो इस रास्ते पर जो है वो चलने में बड़ी सरलता के साथ जो है वो चल पा रहे हैं। क्योंकि ये कलयुग का जो समय है उसमें मैंने ये भी नोट किया कि जितना हम इकट्ठे होकर डिवोशन के रास्ते पर चलेंगे, ये भी डिवोशन का रास्ता उतना ही सरल हो पाएगा। और जब हम इकट्ठे होकर इस भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो आज फ्रेंड्स हम मतलब खुद भागवत गीता का अध्ययन कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो शत शत नमन हमारे मेंटर्स को, शत शत नमन, सच में इन्होंने हमारी लाइफ में जो चेंजेस लाके दिए हैं वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो हमारा व्यवहार है, देखो मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी चेंजिंग। जैसे पहले तो मैं मिनट मिनट में जो है वो रिएक्ट कर जाती थी, अब लगता है नहीं यार, अब जो है वो हमें इस फालतू की चीजों में तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई बोलता है ठीक है, हमें अपने कर्मों को जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस हमारे यहाँ पर हम एक फिल्म की तरह जो है, जैसे वहां पर हीरो और हीरोइन जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, हमें भी वैसे ही अपना रोल अदा करना है। और ज्यादा जो है वो इन चक्रों में ना पढ़कर बस अपना कनेक्शन जितना हो सके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही बोलना है। देखो मैं दो लाइनें जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगी। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए, कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए, कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए, कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए, कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए, कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए, कृष्ण कृष्ण छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए, कृष्ण कृष्ण निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरण गए, कृष्ण कृष्ण प्रिय प्रिय कृष्ण कृष्ण के प्रियतम हो गए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो वृक्ष हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
शत शत कोटि कोटि नमन मेरे मेंटर्स को जिन्होंने इतने प्यारे रास्ते पर जो है वो हमें चलाया। बहुत बहुत आभार दिल की गहराइयों से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गीता जी बहुत आनंद आया, 5 इयर्स की आपकी जर्नी को आपने क्विकली समराइज भी किया और कैसे आपकी टोटल लाइफ एज अ होल फैमिली ट्रांसफॉर्म हो गई है, कैसे आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरक बन गए हो आप और रितेश जी, बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर पा रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव ला पा रहे हो, एक बहुत अच्छे प्रचारक बन गए हो। तो आपने अपना जीवन तो बदला ही बदला, बट आपके माध्यम से लोगों का जीवन बदल रहा है। सो आपकी भी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपको शत-शत नमन। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया गीता जी को भी सुन के, और गीता जी और रितेश जी वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इम्पैक्ट उनके जीवन का, जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में आई है ना, उससे उनके सर्कल में या उनके नोन जो लोग हैं उनमें भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। मिलजुल के मंदिर की सेवा कर पा रहे हैं, सीताबाड़ी मंदिर यहाँ पे चंबा में है, बड़ी डेडिकेशन के साथ रोज आरती अटेंड करना, और लाइफ पूरी की पूरी मॉडिफाई हो गई है, कृष्णमयी हो गई है ऐसा मैं कह सकता हूँ। और इसी जोश के साथ आप आगे बढ़ते रहो। देखिए डिवोशन में जब आगे बढ़ता है ना तो जोश बहुत जरूरी है, और आई थिंक गीता जी और रितेश जी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जोश और होश का। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना इस मंच से आपके लिए। हरी हरी बोल। बिल्कुल, और जो गीता जी ने कहा ना, जब मिलजुल के चलो तो बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम प्रयास करते हैं कि सारी फैमिलीज इकट्ठे चलें, बिकॉज नहीं तो घरों में कलेश हो जाता है इन पॉइंट्स को लेके। अगर एक दूसरे के हम सहायक बने, यही तो शास्त्र चाहते हैं। आप गृहस्थी में हो तो उसका मतलब है गृहस्थ आश्रम, सपोर्ट करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, है ना, ताकि हम सब भगवान के रास्ते में आगे बढ़ सकें। बहुत आनंद आया गीता जी, थैंक यू सो मच। चलिए एक और प्यारे डिवोटी के पास चलते हैं, कांगड़ा से शिप्रा जी, बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं। शुभकामनाएं शिप्रा जी आपको भी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल एवरीवन। मैं शिप्रा कटोच डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के छोटे से गांव रहन से, और मैं सबसे पहले तो इस मंच से आपका निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, मोहिनी आंटी जी, नीलम आंटी जी, और मेरी प्यारी भतीजी ईशा जी, और मेरी अपनी मेंटर मोनिका जी का बहुत 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 दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से मेरी लाइफ टोटली टोटली चेंज हो गई। कि इतनी खुशी की अनुभूति, इतनी आनंद की अनुभूति, खुश तो हर कोई रहता है पर आनंद क्या है वो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अनुभव कर पा रही हूँ। तो मैं अपनी लर्निंग जो है वो शेयर करूंगी, मेरी जो जर्नी शुरू हुई, नया जन्म बोलूंगी, जो मेरा असल में जन्म हुआ वो हुआ 13 जनवरी 2019 को, जब से मैं इस भगवत गीता और इस गोलोक प्लेटफॉर्म परिवार का हिस्सा बनी, और अब मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। फ्रेंड्स, मैं जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी तब मेरा कोई बेस मोल ये नहीं था मकसद कि मैं कोई भगवत गीता की बड़ी डीपली उसकी लर्निंग लूं या कुछ अनुभव करूं, सिर्फ एक पीस चाहती थी, मन की शांति चाहती थी। तो जैसे जैसे मैं रीडिंग करती गई, इतना इतना चेंज मेरी लाइफ में आया, इतना कुछ मैंने अनुभव किया, इतने प्यारे बदलाव मेरी जिंदगी में आए कि मैं सच में धन्य हो गई इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनके। मेरी जो रीडिंग है वो मोनिका जी के साथ इस टाइम 5th रीडिंग कंप्लीट होने वाली है, और निखिल भैया के साथ मेरी जो रीडिंग है वो 3 कंप्लीट हुई सेकंड वाली, और 2 जो रैपिड कोर्स हुए, सच में अमेजिंग अमेजिंग रहे। और मैं इस मंच से ही प्रीति जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे सुबह वाले सत्संग में बाई मिस्टेक जो एक स्थान दिया, भगवान की कृपा हुई मुझ पर, और आज मैं इस मंच का हिस्सा हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। और जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो भगवद गीता की रीडिंग करनी, फर्स्ट तो मुझे पहले पहले नहीं इतना पता चलता था, पर अब मुझे हर चीज, हर एक श्लोक का मैं अपनी लाइफ से रिलेट करती हूँ। मुझे यहाँ पे ही पता चला कि कैसे हम लोग एक गुणों के अंदर हैं, बद जीव हैं, और हमारी जो सुख दुख हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से। हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कोई हो, भगवान हो। सबसे बड़ा ब्लेम जो है वो पहले भगवान पे ही जाता है कि हम लोग, भगवान आप हमारे साथ क्यों ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं।
फर्स्ट जो टारगेट होता है वो भगवान होते हैं, फिर हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। हालांकि हमने कभी भी शायद इस प्लेटफॉर्म से पहले कभी ग्रेटिट्यूड शो किया ही नहीं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमारे रिलेशन ब्रदर सिस्टर जो भी हैं और आगे हमारे इन लॉज में भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी नहीं ग्रेटिट्यूड किया, पर थैंक्स बोलो को एक्सप्रेस कि वो भी भाव हमारे इस प्लेटफॉर्म की वजह से ही मैं सीख पाई। और जो मॉडल हैं सच में इतने प्यारे मॉडल हैं, इसके कभी सुना भी नहीं था, कभी नहीं पता था ये 4S पिलर ABCD मॉडल या क्या डिस्ट्रैक्टिव क्या होता है। हमारे लिए डिस्ट्रैक्टिव कुछ नहीं था कि हम तो जो एज यूजुअल काम करते हैं वो ही था, है ना। पर हमें पता लगा कि छोटी छोटी चीजें, हम एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, एक्सेसिव हम टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जो है हमारी डिस्ट्रैक्टिव, उसको कैसे डिवोशन की तरफ मिलाना। असल में भक्ति क्या है गोलोक एक्सप्रेस परिवार का हिस्सा बनने के बाद ही पता चली। फ्रेंड्स ये जो मेरी जर्नी रही, जो हमारा ये वाला कोर्स हुआ, ये मेरे लिए सच में बहुत अमेजिंग रहा कि इसमें मैंने इतना प्यारे प्यारे अनुभव किए। और जैसे जिस भाव से यहाँ हमें गीता समझाई गई, पढ़ाई गई, सरल तरीके से एक एक श्लोक को इतने प्यारे तरीके से निखिल भैया ने, नितिन भैया ने डिफाइन किया कि सच में दिल करता था कि सुनते जाएं, इतना आनंद की अनुभूति होती थी। तो जब ये हमने उसके लिए ओकेजन जैसे पहले मनाते थे, पर अब जो हम कोई भी त्योहार आता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, कोई भी त्योहार होता है, इवन मैं तो बोलूं कि हमारा हर दिन ही अब त्योहार होता है। जब हम इस प्लेटफॉर्म से सुबह जो हमारी जब हम जगते हैं और सुबह ही हमें इतनी प्यारी डोज मिलती है, तो उसके ये हमारे लिए त्योहार ही होता है। हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ये सत्संग हुआ जब हमारा, इसमें सबसे बड़ा मैं जो मेरा ड्राफ्टिंग चेंज हो वो कार्तिक महीने में रहा कि इतना प्यारा बदलाव, जिसमें सुबह उठ के हमने दीप दान करना, दामोदर अष्टकम कभी नहीं सुना था मैंने, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है दामोदर अष्टकम, वो मुझे सुनने को मिला। इवन उसकी सेवा भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्लोक रीडिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, और भी बहुत सी चेंजिंग आई। सबसे बड़ी बात कि क्या सुबह उठ के, उस सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ, कई बार ना माया का अटैक, जैसे हम तीन गुणों में बंधे हैं, नींद रूपी माया का अटैक करता था, तो जब से वो कार्तिक महीना इतना ऊर्जावान रहा तब से अब रेगुलरली ये है कि मैंने उठना है, उठ के अपनी माला करनी है। माला का बोलू, यहाँ से पहले माला का मुझे कॉन्सेप्ट इतना नहीं पता था, मेरे पापा जी करते थे तो मुझे लगता क्या इतनी लंबी माला पकड़ के बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं। बट अब मुझे लगता है कि माला से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो शांति मिलती है, वो उसका एक चरम लेवल पर होता है उसका आनंद। अभी मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड भी माला करते हैं, मेरे लिए अमेजिंग है, और भी बहुत सी चेंजिंग है। और जब मैंने इसमें कार्तिक महीने में दीपदान किया और जो एक ऊर्जा आई, उसके बाद मैं रेगुलर बिल्कुल की उठने में ठीक, अब नींद वींद का कोई अटैक नहीं आता, और सबसे बड़ी बात है वो एकदम से फ्रेश होके कि मुझे ये टारगेट कम, कई बार छूट जाता है क्योंकि हम सभी को पता है हम लोग अवगुणों की खान है, भरे पड़े हैं, तो कई बार हो जाता है। बट फिर भी प्रभु की बहुत ब्लेसिंग है, हमारे गुरुजनों की बहुत हमारे ऊपर कृपा है, ब्लेसिंग है, इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, तो वो भी इसके चेंजिंग मुझे, मैं फील कर पाती हूँ। फ्रेंड्स मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जिसमें हमें श्लोक में पढ़ाया गया कि भगवान ही जल है, सूर्य है, प्रकाश है। जब मुझे लगता है कि हम तो हर जब हमें समझाया गया कि हम एक अगर पानी भी पीते हैं ना, कोई स्पेशल टाइम नहीं भक्ति के लिए निकालना होता, उसी समय हम भगवान को याद करें कि आप ही तो, इसका जो स्वाद आ रहा है, इससे जो हमारी सेटिस्फेक्शन हो रही है, तृप्ति, वो भगवान का ही रूप है। इतनी छोटी छोटी चीजों में हम भगवान की प्रेजेंस फील करते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि अब हमारे घर जो है वो मंदिर ही है, हमारे घर में जो चेंजिंग आ रही है या हम जो कुछ सीख पा रहे हैं इस माध्यम से, वो हम लोगों के लिए एक घर ही हमारा मंदिर है। और निखिल जी का विजन हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, सच में सक्सेस हो रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। जब भी मैं गीता जयंती का बताऊं, बहुत ही जबरदस्त रहा ये भी जो रैपिड कोर्स हुआ, इसमें मैं
अपने काफी रिलेटिव्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर पाई और इस चीज की मुझे बहुत खुशी होती है कि एक निखिल भैया के विजन के कारण पता नहीं कितने लाखों परिवारों में जो है वो इतनी प्यारी प्यारी चेंजिंग आ रही है, इतने प्यारे बदलाव आ रहे हैं और हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। ये क्रोध जो है वो भी शांत होता है, हमें नहीं करना किसी के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, किसी के गुण अवगुण वही दोष देखते हैं, अपने नहीं पता होते हैं। पर ये यहाँ पर सीखा कि पहले मुझे अपने अंदर की कमियां खोजनी है, मुझे अपने अंदर देखना है कि मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही, मेरी वजह से कोई परेशान तो नहीं हो रहा। जब मुझे लगता है कि जब मैं अपने अवगुणों को देखती हूँ तो सच में कि हम तो इतने इतने भूले भटके बच्चे हैं भगवान के, हमने तो पता नहीं कितने गुनाह किए, कितने पाप किए, पर अब भगवान की बहुत बहुत हमारे ऊपर ब्लेसिंग है जो ये गोलोक एक्सप्रेस प्रकार हमें मिला। फ्रेंड मुझे ये श्लोक भी बहुत पसंद आता है कि हम अंत समय में जब हम जिस चीज का ध्यान करेंगे हमें अगले जन्म में वही बर्थ मिलेगा। तो अब ये लगता है कि हमने ये ना पारिवारिक चीजों में ध्यान नहीं करना, भगवान आप इस तरीके से हमारा अंत समय आए तो जवान पे हमारे हमेशा प्रभु का नाम होना चाहिए, चाहे हमें गोलोक धाम मिले ना मिले, एक कण ही बन जाए हम गोलोक धाम का वो भी बहुत है। हमें ये भी नहीं कि जैसे भी आप रखना चाहो, जिस भाव में हमें रखना चाहो हम वैसे रहेंगे। निष्काम भाव क्या होता है वो भी इसी प्लेटफॉर्म से सीखा। पहले तो ये होता कि मेरा ये काम बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे हस्बैंड हो, मतलब ये सिर्फ सकाम पूजा हर चीज के लिए। लेकिन अब सकाम नहीं, प्रभु आपकी खुशी मेरी खुशी, आप जहां पे खुश हो वही मेरी खुशी है। और ये खुशी देखने का अब तरीका सच में नजरिया बदल गया, नजारे बदल गए। ये सब भगवान की कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस की कृपा हम पर हो रही है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं। प्रेजेंस मेरी लगभग 99.9% ही रही। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो मैं इस रास्ते पर चली हूँ ना, इससे कभी भटकू नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो खुश रहना सीख गई। मुझे ये लगता है कि पहले मैं छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाती हूँ, होती अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट अब ये है कि जल्दी से उस चीज से निकल पाती हूँ। मुझे अब कोई परेशानी नहीं होती, पहले चिंता रहती थी, जैसे मेरा बेटा है स्पेशल चाइल्ड तो ये कि इसका मेरे बाद क्या होगा, पर अब ये है कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और जिन्होंने सोचा है, जो हमारे कार्मिक अकाउंट है उसी के हिसाब से मुझे ये सब मिलना है और उसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। अडेप्टिंग जो भी है वो सब हमने यहीं से सीखा, इन्हीं मॉडल से सीखा। मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी गुरुजनों को, सभी सीनियर मेंटर्स को, इतने प्यारे प्यारे डिवोटी हैं हमारे, इतनी प्यारी डिवोटी एसोसिएशन मिली है कि उनका हम तहे दिल से आभार करते हैं कि हर किसी से सीखने को मिलता है। कहाँ पर कछुआ बनना है वो भी यहीं से सीखा, कहाँ पर हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है वो भी यहीं से सीखा। अभी ये पता चला कि सच में मैं तो अवगुणों की खान हूँ, अवगुणों की खान हूँ, कुछ पता नहीं है, पर बस इस प्लेटफॉर्म का साथ भगवान कभी मत छुड़ाना और प्रभु की हमेशा मेरे ऊपर ब्लेसिंग रहे, ऐसे ही हम चलते रहें। मैं इन दो लाइनों के साथ अपने शब्द को बोलूंगी। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हरी हरी बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। इस मन से मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनका जब मुझे फोन आता है या कुछ भी, तो पहले उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि तेरा कहीं सत्संग तो नहीं लगा है, कि अगर सत्संग लगा है तो मैं फोन कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी भगवान की ब्लेसिंग है और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। शुभकामनाएं शिप्रा जी, आपको बहुत आनंद आया आपको सुन के, और वाकई वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी, केवल मन शांत करने के लिए, पीस हैप्पीनेस के लिए एक व्यक्ति जुड़ा दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में घिरा हुआ, और कहां से वो
स्टार्ट, और फिर कहाँ से आज आप उनको सुन रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस आ चुकी हैं, उनका चिंता चिंतन में बदल चुका है और अपने अंदर तो बदलाव लाई लाई हैं, लेकिन साथ ही साथ में परिवार के अंदर या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं और साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। रादर प्रचारक बहुत अच्छी बन चुकी हैं। सी शी हैज अ वेरी टफ शी हैड अ वेरी टफ लाइफ स्पेशल चाइल्ड के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कैसे ब्यूटीफुली उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है उसके अंदर। और एक पॉइंट को जो उन्होंने बड़ा अच्छा पकड़ लिया है वो ये कि भाई ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जो हमारा मेन गोल है उससे हमें भटकना नहीं है, भगवान के साथ हमें जुड़ के चलना है। यही जोश यही उमंग के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। किरण जी, मैं शिप्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से देना चाहूंगा, और इस तरह लगातार आपकी रीडिंग्स और होती रहें, आप भी बहुत सारे और लोगों के लिए माध्यम बने, ऐसी प्रार्थना मैं इस मन से आपके लिए भी करता हूँ। धन्यवाद। हरी हरी बोल। और लास्ट में जो आपने एक पॉइंट बोला कि हमें वाकई अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इस तरह से धन्यवादी होना चाहिए, बेशक वो खुद सत्संग में ना भी आते हों, लेकिन अगर वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम सत्संग में आ गए, या फिर वो इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम सुबह उठ के सत्संग कर पा रहे हैं, शाम को सत्संग कर पा रहे हैं, आई थिंक वो उनके माध्यम से उनकी सेवा है, उनकी भक्ति है, इसलिए उनको भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और मैं भी सर को अप्रिशिएट ही करूंगा इस पॉइंट के लिए। यही मिलजुल के चलने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक दूसरे की सराहना कीजिए, जो अच्छा कर पा रहा है उसकी अगर कोई सराहना भी कर देता है वो भी उसकी भक्ति ही है। चलिए, एक और ब्यूटीफुल डिवोटी हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारी सेवा कर रहे हैं, किरण छाबड़ा जी देहरादून से। आइए उनको सुनते हैं। किरण जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। मैं किरण छाबड़ा देहरादून से। तो आज मैं बताना चाहूंगी कि पिछले जो सत्संग पूरा सत्संग जो भागवत गीता हमने सीखी उससे क्या लर्निंग मेरी बनी। तो देखिए कि ये सिर्फ ये वाला जो कोर्स हमने किया यहीं से एक कोई लर्निंग नहीं बनी। इवन कि जितनी भी बार हमने भागवत गीता की रीडिंग की है उतनी बार नया कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं 2018 में कनेक्ट हुई थी अपनी छोटी सिस्टर चंदा के माध्यम से। उसने मुझे बताया कि हम लोग किस तरह से ऑनलाइन सत्संग करते हैं, फ़ोन के माध्यम से हम लोग जो है वो सत्संग करते हैं भागवत गीता की रीडिंग, तो क्या आप करोगे। तो भगवान जी की इतनी असीम कृपा है कि कभी भी अगर ये कहना कहूँगी अपनी तारीफ करूँगी कि कभी भी ना कहने की आदत जो थी वो नहीं थी। बेशक मैं कोई भी काम नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर नहीं थी इतनी कैपेबिलिटी, लेकिन हम लोग कभी भी ना नहीं करते कि हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भागवत गीता की रीडिंग आप करोगे, तो मैंने कहा ये तो इतनी बढ़िया बात है, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मेरे को आप ज़रूर जोड़ दीजिए तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मेरी फर्स्ट रीडिंग जो है वो रजनी जी के माध्यम से स्टार्ट हुई और बहुत ही आनंद जो था मुझे पहले ही दिन से आना स्टार्ट हो गया। इतना आनंद को मैंने अनुभव किया। तो जिस तरह से वो बताते थे कि हम जितनी भी रीडिंग स्टार्ट मतलब करेंगे उतनी ही बार हमें नया कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता था अच्छा ऐसा भी होगा क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है। ये चीज़ तो मैंने स्टार्टिंग से ही समझ ली थी कि हमारी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, लेकिन भगवान जो है वो अनलिमिटेड है और वो जो कुछ करना चाहें तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से ही समझ ली थी। तो आपके जो सत्संग हुआ पूरा 9 मंथ जो उसके दौरान मैंने क्या सीखा, मेरे को सबसे प्यारा जो मेरी लर्निंग है वो मैंने ये समझा कि हम लोगों ने कार्तिक मास के बारे में समझा कि कार्तिक मास जो था और मेरा इतना इतनी एज में मैंने कोई कार्तिक मास में कोई इतना ज़्यादा कुछ भी कभी नहीं किया। कभी सोच भी आती थी तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी सबसे पहले, लेकिन कार्तिक मास के सत्संग के दौरान सत्संग से पहले ही जिस तरह से हमें अप्रिशिएट किया जाता था, हमें गाइड किया जाता था, तो लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कितने दिन भी हो जाएगा तो कर लेंगे। तो कार्तिक मास में उठना और सुबह सुबह नहाना
ये सारी चीजें जो थी वो इस बार मैंने सत्संग से फर्स्ट टाइम सीखी। और जैसे दामोदर अष्टकम जो था वो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ये क्या चीज होती है, वो भी इस बार फर्स्ट टाइम मुझे सुनने को मिला और बहुत ही आनंद को मैंने जो था अनुभव किया। और साथ साथ में दीपदान सुना था कि जो कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है, लेकिन मुझे लगता था कि शायद वो लास्ट के जो 5 डेज होते हैं उसी में करने से इनफ है, लेकिन इस बार हमें समझ आया कि पूरे कार्तिक मास में हम जितने ज्यादा दीपदान करेंगे उतना ही जो है वो हमारे लिए बेस्ट होगा। और धाम यात्रा का सुना तो और भी मन आनंदित हो गया कि अच्छा धाम यात्रा का भी इसमें इतना ज्यादा जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से निखिल जी ने बताया कि जब हम लोग धाम यात्रा करते हैं और धाम में जाके माला करते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैंने समझा। तो इस चीज को अनुभव कर पाई कि हमें धाम जाके अपना सिर्फ टाइम ये नहीं है कि पहले क्या होता था, मंदिर गए धाम यात्रा मंदिर गए और उसके बाद फिर मार्केट घूमे या थोड़ी शॉपिंग करी, इधर उधर ध्यान लगाया, दोबारा मंदिर की तरफ या भगवान की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे। या तो कभी कहीं चल के गए हैं तो अपनी बॉडी पे ही ध्यान आ रहा है कि बहुत थक गए हैं, नींद नहीं की, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, नींद मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं सो पाए या नहीं जाग पाए, या थोड़ा सा चल लिए उससे थक गए, या ट्रैवलिंग से थक गए। लेकिन अब ये चीज जो थी इस बार ये हमने महसूस की कि हमें लगा कि अपने 1 मिनट को भी हमें वेस्ट नहीं करना है और जितना ज्यादा हो सके हमें जो है वो धाम में जाके माला करनी है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन जो है वो बनाना है। तो 1 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग भूले हों, क्योंकि इस बार प्रभु कृपा से धाम यात्रा का मौका भी मिला। एक बार छोड़ के दो दो तीन तीन बार मिला, वृंदावन जाने का मौका मिला, खाटू श्याम जाने का मौका मिला, हरिद्वार जाने का मौका मिला। तो इस चीज को मैं महसूस कर पाई फर्स्ट टाइम, वृंदावन भी जाते थे दर्शन किए उसके बाद बस भगवान जी को भूल गए, इधर घूमे उधर घूमे, वो भाव नहीं थे। लेकिन अब की बार सत्संग के दौरान जब हमने कार्तिक मास के बारे में समझा तो वो भाव ही भगवान जी ने बिल्कुल चेंज किए, वो माध्यम बने निखिल जी, बहुत ही आनंद आया। और साथ साथ में उन्होंने जागरण के बारे में बताया कि हम लोग जो है जैसे कार्तिक मास है या एकादशी है तो उसमें हम लोग अगर जागरण करते हैं प्रभु की कृपा से वो भी हम कर पाए, जिस तरह से वृंदावन में जो है परिक्रमा की जाती है गोवर्धन पर्वत की। तो मैंने स्टार्ट की थी, मैं इतने चलने में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे लग रहा था कि क्या मैं चल पाऊंगी, लेकिन वहां जाके मेरे मन में एक बार भी डाउट नहीं आया कि क्या मैं इतना सारा ज्यादा चल पाऊंगी, कहीं ये तो नहीं होगा कि मैं बीच रास्ते में बैठ जाऊंगी। लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये वाली परिक्रमा में जो है वो पैदल चल के और नंगे पाँव ही करूंगी, और बहुत अच्छे से वो परिक्रमा भी हो पाई। और साथ साथ में ध्यान इस तरफ में जा रहा था कि थकावट हो रही है, ध्यान ये जा रहा था कि मैंने 108 माला का टारगेट लिया है जो कि उस परिक्रमा के दौरान ही मैंने पूरा करना है, और प्रभु के पास से वो पूरा जो मेरा टारगेट था उसमें जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इस सत्संग के दौरान मेरा ये बहुत ही प्यारा अनुभव, जिसे मैं डिवाइन एक्सपीरियंस भी बोल सकती हूँ, ये हुआ है, सबसे अच्छा मुझे ये लगा था। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो अब जितना जितना सत्संग को मैं सुनती जा रही हूँ तो मेरा गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाती थी, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं अपने गुस्से को खुद ही नहीं समझ पाती थी कि मेरे को क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें है ना, स्टेबिलिटी आई, अगर कुछ हो भी जाता है, अब दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है, तो पहले एकदम से घबरा जाते थे, लेकिन अब जो है वो इतनी ज्यादा इनर शक्ति मिली है, भगवान जी ने बहुत ही अंदर से शक्ति दी है कि हमें घबराना नहीं है। अगर दुख भी आया तो अब वो वाली फीलिंग नहीं है, अब उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आती है कि दुख आया तो कोई बात नहीं, शायद प्रभु जी ने इससे भी कुछ अच्छा हमारे लिए, इससे भी बेटर सोचा होगा, क्योंकि हर थॉट में हर भजन में हम सुनते हैं कि भगवान जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होता है जो कि हमारी सोच से बहुत परे होता है। तो ये भाव भी मन में आया कि हाँ प्रभु जी आपने कुछ ना कुछ जो है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। और उसके बाद जो मेरा डर था, जैसे कि सभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे, उससे तो मैं डरती डरती थी, लेकिन साथ में और भी कई चीजों का मुझे जो है हमेशा डर रहता था, जैसे कि मैं कहीं अकेले नहीं जा सकती थी, ट्रैवलिंग नहीं कर सकती थी, मुझे कोई ना कोई साथ में जरूर चाहिए होता, बिल्कुल अकेले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था।
लेकिन अब मैं पिछले 1 महीने से देख रही हूँ कि मेरा तो वो डर ही गायब हो गया। मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत मैं ब्लेस फील कर पा रही हूँ कि प्रभु मेरा तो ये फियर आपने गायब ही कर दिया। इसके लिए मैंने कुछ इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की और चैंटिंग को जरूर मैंने बढ़ाया है। मेरी चैंटिंग जो है वो प्रभु कृपा से पिछले साल तक 16 माला होती थी, लेकिन ये पिछले लास्ट ईयर से 9 मंथ से जो है वो मैंने अपनी माला को बढ़ाया और 32 राउंड जो है वो भगवान जी की कृपा से मैं कर लेती हूँ। मेरा टारगेट रहता है उससे भी ज्यादा कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है। और औरों के लिए भी प्रेयर करना सीखी है, जैसे कि कल एकादशी का फास्ट था तो जितनी भी माला जो सबके लिए डेडिकेट की जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे निखिल जी बताते हैं कि अगर आप एक माला करते हो तो सॉरी एकादशी में जो उसका फल है हमें दुगना मिलता है, उसका 10 गुना मिलता है। तो मुझे लगा कि मैं जितनी ज्यादा माला जो है वो डोनेट करूँ ताकि वो 10 गुना माला जो है वो सभी डिवोटीज को लगे जिनको की जरूरत है। और कहीं पे भी मुझे लगता है माला करनी है तो उनके लिए माला जो मैं जरूर करती हूँ। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात अगर मैं करूँ तो मेरा बहुत बड़ा है, जिससे कि मैं एक सत्संग को भी लीड कर पा रही हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है सत्संग में, उस सत्संग में भी। और जैसे ही मैंने लास्ट ईयर से सत्संग स्टार्ट किया था तो फर्स्ट एंड सेकंड डे पे ही मुझे लग रहा था कि अंदर से कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे कि शायद अभी तक मैं कोई राक्षस या दानव योनि में थी, लेकिन मैं कितना अपने आप को क्लियर महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ। वो सेकंड थर्ड जो सत्संग में है, मतलब करने के बाद अगर जब हम गाइड करते हैं जिस तरह से भैया बताते हैं कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसे हमें जो है वो शेयर करना चाहिए, तो जब मैं वो शेयर करना स्टार्ट मैंने किया तो मुझे सच में इतना ज़्यादा आनंद अनुभव हुआ। तब मैंने महसूस किया कि जो भी हमारे मेंटर्स बताते हैं वो सच में ही हमारे साथ होता है, वो मैंने लाइव देखा है, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने महसूस की। और फैमिली के साथ अगर मैं बात करूँ तो फैमिली के साथ जो है वो और भी नज़दीकियाँ आई हैं, और भी प्यार बढ़ा है। जिस तरह से कि मैं हमेशा कहती हूँ 4 पिलर्स होते हैं, उसी तरह से मेरी जो सिस्टर हैं वो भी मेरे 4 पिलर की तरह ही हैं। हर समय हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसका भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि कृष्णा जी आपने मुझे कितनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स दी हैं, जो कि कभी भी हमें नीचे गिरने ही नहीं देती। हम एक दूसरे को सब भी सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, कभी भी किसी को पीछे नहीं जाने देते। और ये सपोर्ट की वजह से ही जो है, इस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरी छोटी सिस्टर ने हमें जो है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट किया, तो ये प्रभु की बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि इतना प्यारा साथ जो है वो भगवान जी की कृपा से हमें मिल पा रहा है। और अपने आप को चेंज करना सीखा, चुप रहना सीखा कि कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें अपनी वाणी को विराम देना, ये सारी चीजें जो है ये मैंने सत्संग के दौरान ही सीखी है ना। क्योंकि मैंने ये समझा था, एक चीज मैंने और ये भागवत गीता से सीखी थी कि हम लोग इस जन्म में जितना भी बैंक बैलेंस जोड़ ले वो इसी जन्म में हमारे काम आएगा, लेकिन अगले जन्म में वो हमारे कोई भी काम का नहीं रहेगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन भागवत गीता जितने भी ज्यादा हम लोग डिवोशन करेंगे, जितनी हम करेंगे वो अगली बार हमें वही जो है वहीं से हमें वो डिपॉजिट जो हमने किया है वो वहीं से हमें वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हमेशा लगता था कि कितना सब कुछ कुछ करते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पाएंगे, इतना तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से बताया कि तामसिक से रास्ते की तरफ, रास्ते से सात्विकता की तरफ जाना है और सात्विकता से भी दिव्यता की तरफ जाना है, तो दिव्यता की तरफ तो हम कभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वालिटी है, हम लोग बहुत नेगेटिव हैं, हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, तो ये कहाँ चेंज होंगी। लेकिन सत्संग से ये भी सीखा कि ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने अंदर चेंज करनी है। कोई बात नहीं, हम लोग 100% तक नहीं पहुंच पाएंगे, 50, 60, 40, 30 कुछ तो पहुंचेंगे, तो वहीं तक पहुंच जाते हैं और वो हमारा बैंक बैलेंस जो इस जन्म में बैंक में जमा हो जाएगा, और अगले जन्म में वहीं से हम लोग जो है वो अपनी स्टार्टिंग करेंगे कि हमें प्रभु जी हमारा बैंक बैलेंस जो, प्रभु को तो पता ही होगा कि हम कहाँ तक पहुंचे थे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी और 2 लाइन मैं अपनी गाना चाहूंगी भजन के माध्यम से, अपने भाव कि मैं क्या चाहती हूँ आजकल। तेरे दरबार की चाकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मिले ना मिले गम नहीं, मेरे तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मिले ना मिले गम नहीं, तेरी सेवा बजाता रहूं, तेरा सेवक कहलाता रहूं, तेरा सेवक हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। लास्ट में यही बात रिपीट करना चाहूंगी, ये भजन अभी लास्ट में, अभी 15 दिन पहले हम लोग वृंदावन गए तो वहां पे ये भाव आए, और अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले थे और सीढ़ियों में हमें बैठने का मौका मिला, और जब ये भजन हम लोगों ने गाया, मैंने गाया, और अश्रु धारा जो थी वो बहने लगी खुशी की, और ये वाला भजन मैं बार बार रिपीट कर रही थी, और जैसे ही हम लोग दर्शन करते हैं लास्ट में हमें फिर सच में नौकरी करने को मिली, जिस तरह से सब चले जाते हैं और पंडित जी हमें ऊपर आने का मौका देते हैं कि आप ऊपर आइए और भगवान जी की दहलीज को अपने दुपट्टे से साफ कीजिए, तो ये मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस लाइफ का इतना बड़ा है कि प्रभु मैं यही चाह रही थी कि आप मुझे अपनी नौकरी दीजिए, और आपने मुझे सच में नौकरी दी, तो उसके लिए तह दिल से प्रभु का शुक्रिया अदा, धन्यवाद प्रभु, और सभी अपने मेंटर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, और अपने मेंटर जिनसे मैंने फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट की थी, रजनी जी, सभी के, सभी का मन से आभार। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, थैंक यू एवरीवन, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपकी रही है, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि डर ही नहीं लग रहा, फियरलेसनेस, डिवाइन क्वालिटी जो है वो उजागर हो रही है, और कितने सारे ब्यूटीफुल चेंजेस के बारे में आपने हमें बताया। आई थिंक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आप और पूरी फैमिली आपकी, इंक्लूडिंग योर सिस्टर्स और उनकी पूरी फैमिलीज, एक सेट कर रही हैं घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का, चाहे चंदा जी हैं, चाहे नीलम जी हैं, या फिर वंदना जी, अंशिका, या आपकी अपनी बेटी काव्या, बढ़ चढ़ के सब लोग सेवा कर रहे हैं, और आई थिंक बड़ा अच्छा भगवत गीता की लर्निंग्स को अपने जीवन में आप उतार पा रहे। भगवान से प्रार्थना यही है, इसी जोश के साथ और इसी तरह से मिलजुल के आप सब लोग आगे बढ़ें, बहुत सारी और फैमिलीज को आप इंस्पायर कर सकें भगवत गीता के इस ज्ञान के साथ, और लोग जुड़ सकें, ऐसी प्रार्थना आपके लिए। और जो इंडिविजुअल सेशन भी आप ले रही हैं वो भी बहुत अच्छा जाए, और रेगुलरिटी से इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो, ऐसी प्रार्थना भगवान से आपके लिए। धन्यवाद, बहुत आनंद आया इनको सुन के भी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेयर्स की तरफ चलते हैं। आज आतिश जी चंबा से प्रेयर्स सेगमेंट लेंगे। हरी हरी बोल आतिश जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आतिश महाजन चंबा से, बहुत ही दिव्य सत्संग और बहुत ही बढ़िया सभी की लर्निंग, और मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा कि मेरी भी ये रीडिंग मैं बोलूंगा कंटिन्यू रही, 99% मैं रेगुलर रहा, और मैं भी यही सभी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है, भगवद गीता के साथ जुड़े रहना है। मेरे भी बहुत सारे, यानी बोलूंगा कि क्वेश्चन थे, उसके आंसर मिले, मेरे अंदर बहुत सारे डर थे, वो डर खत्म हुए, और आगे भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस रास्ते पे चलता रहूँ, आगे कंटिन्यू चलता रहूँ। मेरा जैसे गुस्सा कम हो रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं अभी भी, और मेरे को पता है मेरे सब मेरे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं और जितनी भी मेरे अंदर कमियां हैं वो भगवद गीता के माध्यम से ही दूर हो सकती हैं। और मैं आप सबके लिए भी यही प्रेयर्स करूंगा कि हम सबको भगवद गीता के साथ जुड़ना चाहिए और भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, और तभी हम अपनी लाइफ के को अच्छे से हम लीड कर पाएंगे, अच्छे से हम जी पाएंगे। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, बहुत आनंद आया इस रीडिंग में, मेरे को बहुत मजा आया,
और मैं यही प्रेयर्स करूंगा कि मैं चलता रहूं, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। तो आज हम जो मेरे को सेवा मिली है, आइए अब प्रेयर सेगमेंट में चलते हैं। तो सबसे पहले बिंदु खुराना जी के लिए, कंप्लीट हैप्पीनेस और कंप्लीट हेल्थ के लिए, कृष्णा देवी जी के सन और हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए प्रेयर्स करनी है। वीना चौधरी जी की फैमिली के लिए और उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर्स करनी है। डोली शर्मा जी के सन की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। नीलम महाजन जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। सीमा शर्मा जी के परिवार की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नीरज सिंगला जी के लिए और उनके परिवार की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। विजय वाराणसी जी के स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। सौरभ जी और कनिका जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। विदेही जी की चिल्ड्रन की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। सुनीता जी की और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। राजमोहन जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। कविता मनकोटिया जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। सुदेश गुप्ता जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। रोशनी कुमारी जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। प्रवीण लता जी की और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। कविता कुकरेजा जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। रतिका गुलेरिया जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सुरेष्ठा महाजन जी की स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए। मोनिका पुरी जी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। किरण तमता जी की मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, वो आईसीयू में है। सौम्या गुप्ता जी की मदर की हेल्थ के लिए। आदर्श बैल जी की मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए। रक्षा वर्मा जी की डॉटर की फिजिकल हेल्थ के लिए। अलका जी ने मानसी जी के लिए प्रेयर्स की है। शुभ गुप्ता जी की बेटे की गुड हेल्थ के लिए। और पुण्या दियो प्रसाद जी की डॉटर की जॉब के लिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं किसी का नाम छोड़ पाया तो, और मैं इन सब के लिए मैं भी प्रेयर्स करता हूँ। मैं भी अपनी आज की जो मेरी चार माला रहेगी, मैं इन इन सब के लिए डेडिकेट करता हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आतिश जी बात कर रहे थे तो कुछ डिवोटीज ने साथ में प्रेयर्स के लिए लिखा है, मैं नाम लेना चाहूंगा। किरण छाबड़ा जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, दीपिका साई जी ने अपने हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ के लिए, सुमन वशिष्ठ जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, और साथ ही साथ राजकुमारी राणा जी ने अपने बेटे की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मीरा ठाकुर जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए रिक्वेस्ट की है, और इन सभी डिवोटीज के लिए हम सब प्रार्थना करें। मैं अपनी चार मालाएं डेडिकेट करता हूं। फ्रेंड्स, प्रेयर्स में बहुत शक्ति है, और भगवान को खुश करने का बड़ा सरल तरीका, जब हम दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हैं तो इन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। और जब हम माला करते हैं, जरूर अपनी माला इन सबको हम डेडिकेट कर सकें। और जो कलेक्टिव माला हम सब ने शुरू में की, वो जितने भी लोगों ने सत्संग यहाँ पे अटेंड किया और उनकी फैमिलीज, उन सब की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भजन हमें प्रीति जी सुना रही हैं, आइए प्रीति जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल प्रीति जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत मजा आया सबको सुनकर। सेलिब्रेशन सत्संग चल रहे हैं, जैसे अपनी फैमिली
को मैंने सुना। चाची जी ने आज बहुत अच्छा बोला, शिप्रा जी, संगीता जी, गीता जी, किरण जी, सब बहुत बढ़िया। तब मजा आ रहा है सुनकर, जब मैं सबके अंदर हुई ट्रांसफॉर्मेशन को सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, आप सभी को भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के भजन की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, केदर पे सुदामा गरीब आ गया है, केदर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी हो न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, के मिलने सखावद नसीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, के सुनते ही दौड़े आ चले आए मोहन, आ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हा के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हा लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, केदर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, बराबर में अपने आ सुदामा बिठाए, आ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से कृष्ण ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा,
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, केदर पे सुदामा करीब आ गया है, केदर पे सुदामा करीब आ गया है। हरे द्वार पा हरि बोल हरि हरि बोल। तो हरी हरी बोल। तो इसी के साथ आज के सत्संग को हम यही कंक्लूड करते हैं। सभी डिवोटीज जो है वीडियोस पे आ सकते हैं, हरे कृष्णा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्णा।